ग्वालियर के बनेहरी सरपंच विक्रम रावत की हत्या से दुखी होकर उसकी साली ने जहर खाकर आत्महत्या की है। इस मामले में विक्रम रावत के परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोपियों से मिली भगत और कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहा है। दरअसल सरपंच विक्रम रावत की गांधीनगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में इंदौर पीएफ कमिश्नर मुकेश रावत का नाम सामने आया है। पुलिस ने हत्याकांड से जुड़े 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुकेश रावत की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में विक्रम रावत की साली आरती रावत ने बीती शाम जहर खा लिया। इसके बाद उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। विक्रम की पत्नी नीतू रावत का कहना है कि पुलिस मुकेश रावत की गिरफ्तारी के प्रयास नहीं कर रही है और आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। घटना ये है कि विक्रम रावत की जो हत्या की गई थी सरपंच साहब की, उन्हीं की जो साली है, बचपन से उनने पाला पोसा है, उनके परिवार में उनके साथ रहती थी। जिस दिन से उनकी हत्या की गई है उस दिन से बहुत मानसिक रूप से परेशान थी, डिप्रेशन में थी। और कल इसने कुछ जहरीली वस्तु खा ली, तो कल रात को 8 बजे परिवारजन ने यहाँ अस्पताल में भर्ती करवाया। रात को डॉक्टरों द्वारा लगातार प्रयास किया गया, मगर चूँकि उसकी डेथ हो गई। मेरा 9 तारीख को मेरी पति की हत्या कर दी मुकेश रावत ने करवाई, और आरोपी जो भी घटनास्थल में दिख रहे हैं वो वीडियो में क्लियर है। और इसी को लेके मैं पूरे टाइम एसपी ऑफिस, कई ऑफिसों में चक्कर लगा रही हूँ, लेकिन कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जब मैं घर आके बताती हूँ तो मेरी बहन यही बोलती है, दीदी तुम क्यों जाती हो छोटे से बच्चे को छोड़ के, कोई न्याय नहीं मिलेगा और अपन मर जाते हैं। तब भी मैं उसको यही समझाती थी, नहीं अरे मिलेगा एक ना एक दिन न्याय, लेकिन रोज़ रोज़ वही सारी चीज़ें देख के कल एसपी सर ने भी यही बोला कि तुम्हारा पति जीने नहीं दे रहा था। उन लोगों को क्लियर क्लियर दिख रहा है कि वो सभी लोग, पुलिस प्रशासन सारा उन्हीं के पक्ष में काम कर रहा है, और हमारे लोग एक के बाद एक मर्डर होते जा